बहुत लाइट वेट है। यूँ नहीं, मैं हवा में वीडियो बना रही हूँ, मैं हवा में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही मैं, क्योंकि मैं खुद यूज़ करा है मैंने 3-4 बार इसको, जब जाके मैं आपको बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जैस्मिन वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे वहाँ पर, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। और यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, स्किप बिल्कुल मत करना, टिल एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं एक वीडियो बनाऊँ जिस पे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि आप दी ऐसा फाउंडेशन बताएं जो बिल्कुल अफोर्डेबल हो और बहुत ही अच्छा कवर्स दे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओलिविया पेन स्टिक, मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ आज। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, आई थिंक 150 में आ जाता है, और इसका जो नंबर है 005 नंबर है, और काफ़ी सारे शेड आते हैं इसके अंदर। बट मेरी ड्राई स्किन भी है तो मैं आपको ये लगा के बताऊँगी, रिव्यू कर रही हूँ तो इसका। तो सबसे पहले तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस आई थिंक 150 पड़ेगी, और लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट ऑन हो चुकी है ओलिविया की पेन स्टिक की, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो दूंगी, डोंट वरी। और लगा के मैं बता देती हूँ मैं आपको, नहीं तो ये रह जाएगा, क्योंकि वेडिंग सीजन में आ चुका है तो बहुत सारी लेडीज़ DM कर रही थी मुझे कि दी अफोर्डेबल रेंज का कोई फाउंडेशन बताएं, तो मैं ये पेन स्टिक लेके आई थी मैं, तो मैं आपको बता रही हूँ मैम। मैंने इसको यूज़ कराया 2-3 टाइम, फिर उसके बाद मैं आपसे रिव्यू कर रही हूँ इसका। तो मैं इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं होते। और यू कैन सी मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं कर रखा, ओनली मैं फेस वॉश करके आई हूँ और थोड़ा सा लिप टिंट लगा रखा है, देन दैट्स इट। और अब मैं लगा लेती हूँ इसको। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, और ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। तो मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसको थोड़ा सा सेट होने दूँगी। और अगर आपको ये, मैंने जो हिजाब पहन रखा है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, मैं खुद ही सेल आउट कर रही हूँ, तो आपको इसका स्टोर का लिंक नीचे मिल जाएगा और आपको सभी रेंज के हिजाब मिल जाएंगे। और यूज़ करूँगी मैं इसको अप्लाई करने के लिए ये पैक का ब्यूटी ब्लेंडर, इसको मैंने वेट कर लिया है पानी में, तो उसको सोख के ये बड़ा हो जाता है, तो ये वाला। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम, क्योंकि मेरी स्किन आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ड्राई है। तो इन सब चीज़ों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं ये 2-3 ड्रॉप लगाती हूँ, और ज़्यादा भी नहीं लगाती, मैं इसको अप्लाई ज़्यादा नहीं करती। और तो मैं अपने चिन एरिया में, नोज़ एरिया में और फोरहेड एरिया में एंड चिन एरिया में, तो चिन एरिया में, तो इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से पेचीसा हो जाता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, विंटर आ चुके हैं, तो इस वजह से तो मैंने ये लगा लिया है। अब यूज़ करते हैं मेन चीज़ पे, ओलिविया पेन स्टिक। मैं आपको पास से बता देती हूँ, उसको फोकस करो। तो ये है, मेरे को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये जो लगे हुए हैं ना इस पर, मेरी छोटी वाली बेटी नहीं एलिफ, उसने ऐसा कर दिया था इसको कि ये, मतलब इसकी जो ऊपर खोल के पूरा उस ख़राब कर दिया था, लेकिन मैंने इसको सेट कर लिया है। तो आपको मैं पास से बताती हूँ उसका कवरेज, आप देख ही सकते हो इसको। ये आपके शेड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, लोकल स्टोर पे या सुपर स्टोर पे कहीं पर भी मिल जाता है। तो ये अब दिस साइड पे भी लगा तो देती हूँ, इस साइड पे भी, लेकिन आपको बताने के लिए। तो यूज़ करूँगी अब पैक का ब्यूटी ब्लेंडर, तो मैंने इसको वेट कर लिया था पहले से ही, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरीके। और ये ब्लेंड करने में बहुत ईजी है, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, कुछ पैची नहीं देता है इससे। तो अब देखो मैंने लगा लिया है, इधर की साइड मैंने लगा लिया है, फुल कवरेज है। और इधर की साइड देखो, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया ना, तो इस साइड के देखो मैंने डार्क सर्कल दिख रहा है, तो इस साइड पे देखो कितना डिफरेंस है इसमें और उसमें कितना डिफरेंट है। तो अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ नोज़ एरिया में, चिक एरिया में, चिन एरिया में, देन मैं अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करके आपको बताती हूँ। लगने के बाद काफ़ी हैवी नहीं रहता, क्योंकि हैवी रहे, बिल्कुल लाइट वेट है फॉर्मर, बिल्कुल लाइट वेट होता ही है। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, मैं आपको पास से बताती हूँ, ये देखो कितनी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, और इससे मेरे काफ़ी हद तक डार्क सर्कल भी हाइड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा ही है। और अब आजकल तो लोग ज़्यादा ही ले रहे हैं इसको, यूनिक है ना, कम प्राइस है तो ये अच्छा नहीं है, मतलब कम प्राइस के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। मैं आपको पास से चेहरा बता देती हूँ अपना, वो काफ़ी ग्लो करता है। अब मैं वापस से यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का ग्लो टोनर अपने फेस को शाइन देने के लिए,
आप खुद ही देख सकते हैं मेरा ग्लो। तो आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी की मर्ज़ी, लेकिन मैं जो प्रेफर कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आपको सस्ता सा कोई टिकाऊ वाला चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है, और आप इसको ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी मैं आपको, तो आप ये ले सकते हैं। आप कवरेज देखें मेरा, और डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा। हवा में वीडियो नहीं बनाती जैस्मिन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते आज के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ये ज़रूर याद रखना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, लव यू गाइज़।